देश के दिव्यांगों को कैसे मिलेगा न्याय। देश में इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो 165 पदों में से 42 पद खाली पड़े हैं। देश के दिव्यांगों को कैसे मिलेगा न्याय। देश में इंफॉर्मेशन कमिश्नरों के 165 पदों में से 42 पद खाली पड़े हैं। इनमें से पश्चिम बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 4-4 सीटें और उत्तराखंड, केरल, हरियाणा और केंद्र में 3-3 सीटें खाली है। दो राज्य गुजरात और झारखंड में चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है ही नहीं, इंफॉर्मेशन कमिश्नर के कुल पदों में से 5% से भी कम पर महिलाएं बैठी है। इसका खुलासा मंगलवार को जारी हुई 6ठी स्टेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2022 से हुआ है। यह रिपोर्ट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया TIE की तरफ से जारी की जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में ही RTI यानी राइट टू इंफॉर्मेशन पाने के सूचना का अधिकार एप्लीकेशन भरने के लिए ऑनलाइन पोर्टल मौजूद है। इन राज्यों में बिहार, गोवा, दिल्ली, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान और तमिलनाडु शामिल है। इस रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है RTI कानून के सख्त पालन के लिए सरकारी अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। राइट टू इंफॉर्मेशन के रास्ते में अड़चन है। राइट टू प्राइवेसी, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में ट्रांसपेरेंसी लॉ का प्रभावी अमल नहीं हो पाता है। इसके पीछे कई कारण है, जिनमें से अधिकारियों की तरफ से जनता को जानकारी नहीं देना, लोगों के प्रति पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का रूखा व्यवहार और जानकारी छिपाने के लिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के प्रावधानों को गलत जानकारी देना, पब्लिक इंटरेस्ट क्या है इसकी जानकारी न होना और राइट टू प्राइवेसी जैसे कानून राइट टू इंफॉर्मेशन के रास्ते में अड़चन डालते हैं। सरकारी मुलाजिमों की मानसिकता अब भी कामों को खुफिया रखने की RTI एक्ट 2005 में बनाया गया था। इंफॉर्मेशन कमिश्नर के मुताबिक 2005-06 में 2020-21 तक के बीच में राज्य और केंद्रों के पास 4,20,00,000 से ज़्यादा RTI एप्लीकेशन आई थी। 2005 से अब तक इतने साल बाद भी ज़्यादातर सरकारी मुलाजिमों को और पब्लिक अथॉरिटीज़ की मानसिकता अभी भी सरकारी कामों को खुफिया रखने की ही है। इतने साल बाद भी RTI अर्जियों को सरकार पर बोझ समझा जाता है। इंफॉर्मेशन कमीशन रिटायर ब्यूरोक्रेट के लिए पार्किंग स्पेस जैसा, TIA के डायरेक्टर रमानाथ झा ने कहा कि इंफॉर्मेशन कमीशन रिटायर होने वाले ब्यूरोक्रेट के लिए पार्किंग स्पेस जैसा होता जा रहा है। RTI एप्लीकेशन को रिजेक्ट करते समय पब्लिक इंफॉर्मेशन अफसर का लापरवाह रवैया भी इस कानून की राह में बड़ी चुनौती है। TIE के चेयरपर्सन प्रोफेसर मधु भल्ला ने कहा, अक्टूबर 12 को RTI एक्ट अमल में लाए जाने के 17 साल पूरे हो जाएंगे। सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के इरादे से बनाए गए इस कानून को पूरी तरह लागू होने के अभी कई चुनौतियां बाकी हैं, इसलिए अभी सिर्फ आधी जंग जीती गई है। धन्यवाद।